हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपके स्क्रीन पे हेडिंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं कुछ प्यारे स्टूडेंट्स जानते होंगे ऑलरेडी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ अगर आप में से एक को भी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं डिफाइन करूँ और उसके बाद फिर जो है उनके आइगन वैल्यूज की बात करेंगे। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब डिफाइन करते हैं आप, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, या तो उनके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों या फिर उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है ना। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, 3x3 की मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप का, जैसे 2 3 4 0, मान लीजिए 3 फिर 8 फिर 0 0 5, फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं ना, सब के सब जीरो हैं और ऊपर के नॉन जीरो हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो होना चाहिए। उसी तरीके से ऊपर के भी अगर जीरो हो तब भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। मैं यहाँ नीचे कर दूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ 2, ठीक है ना, 0 0, फिर मैंने लिया 3, फिर मान लीजिए 5 0, फिर 8 7 6, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो या फिर उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो। अब ये दोनों कैटेगरी जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आती है। इस वाले को हम स्पेशल नाम है, जब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे अगर जीरो हैं तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर याद करने की बात है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के नॉन जीरो होंगे तो अपर, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल से स्टार्ट करके नीचे के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो लोअर, ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफिनेशन यही है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या ऊपर सारे एलिमेंट जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स देखिए जीरो हैं और लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। बस ये डिफिनेशन है, मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा है और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे किए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका। तो सेम जो डिफिनेशन मैंने बताया, अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इफ एंट्रीज इन ए आइदर बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल और एंट्रीज इन ए अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, तो जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सा और क्लियर होंगी। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ऐसे बोलिए ना, प्रिंसिपल डायगोनल पहले समझिए, प्रिंसिपल डायगोनल ये ऐसे, ये ऐसे, ये है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं आता हूं तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ये भी ट्रायंगुलर है। इसमें ऊपर के सारे जीरो, ये भी ट्रायंगुलर हो गया, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। अब इसको अगर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल या उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो ये क्या हो जाता है, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ये अपर ट्रायंगुलर। या दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, दोनों जैसे आप लिंक कर पाए। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो है तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर। या दूसरे तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे के एलिमेंट्स नॉन जीरो है, जैसे आप लिंक कर सके। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है या प्रिंसिपल डायगोनल और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है, दोनों तरीके से, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर। और उसी तरीके से ये अब आपको समझ में आ गया होगा, लोअर ट्रायंगुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं समझा पाया हूंगा, तो बस ये लिंक करना है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दो कैटेगरीज हैं। बट अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरल कोई बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल
कि ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो या नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। अगर नीचे के सारे जीरो होंगे तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर के सारे जीरो होंगे तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो हम जो मेन मोटिव जो मेरा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज। तो याद रखिए जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा उसी तरीके से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी जो आइगन वैल्यूज होते हैं इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना यही होते हैं इसके आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने इसको नोट करके लिख दिया है आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट है इसको याद कर लीजिए। चाहे ट्रायंगुलर हो दोनों के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यही ऊपर वाला फर्स्ट वाला ले लिया ताकि मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊं कि देखो हम अगर बाय डेफिनेशन जाके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करें तो आइगन वैल्यूज एग्जैक्टली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही आएंगे। तो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई एन, ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो I2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिंक कर लीजिए, ये मेरी मैट्रिक्स है लेमडा आई एन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब 1 माइनस लेमडा, मैंने बताया था ये 3 0 यहाँ पे 2 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो सीधी सॉरी डिटर्मिनेंट है तो इसको तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप जब करेंगे तो 1 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू 1 या फिर लेमडा इक्वल टू 2 या सीधे लिख दो ना 1, 2। ठीक है, तो यहां से क्या सीखने को मिला आपको, यहां से भी अगर देखें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1, 2, तो देखिए 1 और 2 यही इसके आइगन वैल्यूज हो जाते हैं। तो जो मैंने रिजल्ट लिखा वो वेरीफाइड है, प्लीज बोलिएगा। अगर आप चाहें तो 3x3 में भी वेरीफाई कर लीजिए, अगर इसको वेरीफाई करना है तो चलिए मैं यही पे कर देता हूं, डिटरमिनेंट ए माइनस लेमडा आई 3, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक है तो इसका डिटरमिनेंट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ। अब यहां से आप फटाफट कर लीजिए 1 माइनस लेमडा माइनस 1 2 0 5 माइनस लेमडा 3 0 0 7 माइनस लेमडा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, C1 के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो जैसे ही C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस लेमडा, इसको ब्लॉक करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस दिस, मतलब सीधी सी बात है डायरेक्ट मैं कर दूं अगर दिस या कर देता हूं 7 माइनस लेमडा दिस माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट 1 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा और 7 माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू देखिए 1 5 और 7, और यहां पे अगर इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल देखिए तो 1 5 और 7 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 7 और यही इसकी आइगन वैल्यूज है। तो दो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको वेरीफाई किया, सबसे पहले डिफाइन किया हमने कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो समझा हमने। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंपल सी बात है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो या ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होंगे तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ये भी कैटेगराइज कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। दो एग्जांपल से मैंने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, और ये रिजल्ट इसलिए मैं दे रहा हूँ कि होम एग्जाम्स में भी आजकल का पैटर्न है या तो PYQs MCQs देते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर, तो डायरेक्ट छपता है आपके उसमें अगर आइगन वैल्यूज पूछेगा MCQ या वेरी शॉर्ट में मतलब 1 मार्क्स में, तो या तो डायगोनल देता है या फिर आपको ट्रायंगुलर देता है ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सके। रही बात अगर आपका टारगेट जैम है, आपको IIT जैम या फिर नेट या गेट, तो फिर ये सब तो बस एक टूल की तरह यूज होते हैं, कभी काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने यूज हो जाते हैं, कभी डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछता है, हाँ हालांकि लिंक कर सकते हैं आपको क्वेश्चंस में। तो ये बोन है, मैं अगर बोलूँ ना जैम
जैन की भी बात करो, नेट की भी बात करो, गेट की भी बात करो, तो ये बेस है क्योंकि आगे आपको करना है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। एनीवेज समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जांपल्स अगर करूं तो एक एक बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ले लूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे अगर मैं मैट्रिसेस लूं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये मेरे ख्याल से शायद सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आपका मैट्रिसेस का जो टॉपिक है मैंने वहां पे करवाया है अलजेब्रा का पोर्शन। एक एक डिफिनेशन मैंने क्लिक किया हुआ है, अब सर्च करके करेस्पॉन्डिंग एनएपी के जिस सेमेस्टर में वो पोर्शन होगा मैं मैट्रिसेस का टाइप्स वहां पे ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। एनीवेज अब आगे मैं बढ़ूं उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट, मैं सोच रहा हूँ कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यूज बता दूं। हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। उसको मैं डिफाइन हालांकि पहले भी कर चुका हूं एक बार बता के, फिर जो है मैं सीधे उसके रिजल्ट पे आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वहां से एक एग्जांपल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।